नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल काजी तनवर में आपका फिर से स्वागत है। पहली बात तो आई एम रियली सॉरी कि मैं लास्ट 3-4 दिन से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरी तबीयत कुछ खास थी नहीं, और मतलब सर्दी खांसी बुखार होकर मेरा तबीयत का हाल मतलब बेहाल हो रखा था। इस वजह से वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले हो गया, मतलब जो 4-5 मतलब हर 2-3 दिन में मेरा एक वीडियो आ जाता है, बट आज थोड़ा 5-6 दिन ज़्यादा टाइम लग गया वीडियो आने में। सो पहले आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है जो मैं आप लोग को स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। सो ये जो आपके सामने है ये है न्यू Hyundai Exter का फर्स्ट लुक्स। सो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये जो एक्स्टर है प्रोबेबली ये आपकी टाटा पंच के रेंज में आ रही है। सो लुक्स आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो खैर बहुत अच्छा लग रहा है। वो एच शेप जो आपके सामने DRLs है, प्लस आपके जो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट जो मुझे देखने में आया, मतलब स्केच में जैसा उन्होंने रिलीज किया था एकदम ठीक वैसे ही डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है, तो मुझे देख के तो मस्त लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। सो ये वीडियो मैं बेसिकली आज जो बना रहा हूँ वो है i20 Magna के ऊपर। मुझे पता है मैं थोड़ा सा लेट हो गया, ऐसी तबीयत भी ख़राब थी जैसे मैंने आपको बताया, और गाड़ी मिले मुझे थोड़ी सी डिले हो गई जिस वजह से मैं वीडियो जल्दी बना नहीं पाया। तो i20 Magna में क्या हुआ है कि बहुत सारे सेफ्टी रेगुलेशंस को अपग्रेड कर दिया गया है, बहुत सारे फीचर्स भी ऐड कर दिए गए हैं, एंड दिस हैज़ बिकम द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरियंट फॉर दी i20। मतलब अगर आप i20 ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट आपका ये Magna ही है। और अभी ये आपको हर जगह मतलब थोड़ा सा शॉर्टेज है गाड़ी का, मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे गाड़ियाँ मिल रही हैं। हो सकता है जो आपकी रेडी स्टॉक में पहले मिल जाती थी वो अभी आपको हो सकता है कि मतलब 1-2 हफ्ता वेट करना पड़े, बट फीचर्स में बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत मेजर चेंजेस हैं, और वैल्यू फॉर मनी भी मेरे लिए है। और वो इस क्यों है वो मैं आप लोग को एक करके दिखा दूंगा। तो गाड़ी में आपको जल्दी से दिखा देता हूँ मतलब क्या क्या चेंजेस हैं, वो मैं वीडियो तो मैं पहले बना चुका हूँ उसमें क्या क्या चीज़ आने वाले हैं, और एग्जैक्टली वही सारे चेंजेस ही आई हैं इस गाड़ी में। सो Magna पे मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस आए हैं, बाकी वेरियंट्स में भी चेंजेस हैं, बट इसमें क्या है कि बहुत सारे मेजर चेंजेस आए हैं जो आप मतलब जो आपको थोड़ा सा मतलब नई मॉडल लेने पे मजबूर करेंगे। देखिए पुरानी वेरियंट्स भी अभी कई जगह स्टॉक में अवेलेबल होगी डीलरशिप्स में, आपको हो सकता है दोनों ऑप्शन मिले कि आप पुरानी जो विदाउट दी सेफ्टी रेगुलेशन जो आपकी आई हुई है i20 वो आप लें या फिर नई वाली लें, तो दोनों आपको ऑप्शन वहाँ पर मिल जाते हैं। बट हाँ प्राइस इसकी बड़ी है, करीबन 25,000 से 27,000 रुपये तक प्राइस इसमें इंक्रीज हुआ है, बट वो आप एक बार जब भी आप गाड़ी लेने जा रहे हैं बुकिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पे एक बार पूछ लीजिएगा कि आपको कौन सी वेरिएंट दी जा रही है, वो नई अपग्रेडेड वाली दी जा रही है या पुरानी वाली दी जा रही है, क्योंकि नई वाले में बहुत सारे चेंजेस हैं। मैं आपको एक एक करके फीचर्स दिखा देता हूँ फटाक से, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, और उसके बाद फिर अपने मैं सारे अलग जो मतलब आपके जो स्पोर्ट्स वेरियंट हो गई, एस्ट्रा हो गई, फिर एस्ट्रा ऑप्शन हो गए, उसकी भी मैं वीडियोज़ बना दूंगा। तो फटाक से आइए मैं आपको सब फीचर्स दिखा देता हूँ। बट एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ कि अभी ये जो आपका Magna वेरिएंट है ना, इसमें पहले वो सिल्वर व्हील्स आते थे इसमें, बट इसमें अभी आपका ब्लैक व्हील्स दे रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये अलॉयज नहीं है, ये आपका स्टील रिम्स ही है, बट ये जो पहले सिल्वर कलर में आते थे ये अभी आपका ब्लैक में आ रहे हैं। तो एक्सटीरियर में ये एक चेंजेस है, और एक आपका शार्पिन एंटेना का चेंजेस है। तो ऐसे मैं आपको चलिए मैं एक एक करके दिखा देता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वैल्यू वेरिएंट जो है वैल्यू फॉर मनी लगती है या नहीं लगती। तो दोस्तों ये मेरे सामने जो न्यू i20 है, इनफैक्ट जो सेफ्टी रेगुलेशंस के साथ अपग्रेड होके आई है, वही i20 मेरे सामने खड़ी है, रेड कलर में Magna वेरिएंट है। मैं Magna वेरिएंट आपको इससे दिखा रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम और सबसे ज़्यादा नोटिसेबल चेंजेस आपको Magna वेरिएंट में ही मिलेंगे। क्या क्या चेंजेस है मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। एक्सटीरियर्स में अगर अपने बात करते हैं साइड्स की, फ्रंट की, रेयर की, कोई चेंजेस नहीं है। एक्सटीरियर में Magna में आपको सिर्फ एक चेंज मिलेगा, वो है आपका ये शार्पिन एंटेना यहाँ पे। इसमें क्या था पहले आपका वो मतलब पैसिव एंटेना आता था जो लंबा सा निकलता था पहले, तो अभी आपका Magna वेरिएंट से ही आपको इसमें शार्क फिन एंटेना मिल जाएगा। ठीक है, रेयर्स अपने शुरू करते हैं पहले, तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताया था वो है आपका 3-पॉइंट सीट बेल्ट्स। सो आपको तीनों सीट बेल्ट जो है यहाँ पे वो 3-पॉइंट सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं। फिर आपके रेयर के जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, मतलब साइड में पहले जो फिक्स्ड आते थे वो अभी आपके दोनों एडजस्टेबल आ रहे हैं, और आपको सेंटर में भी एक जो हेडरेस्ट है वो आपको एडिशनल मिल जा रहा है, और वो भी एडजस्टेबल है। ठीक है, सेकेंड रो की आपकी जो सीट बेल्ट रिमाइंडर है वो भी आपको Magna वेरिएंट से ही मिल जाती है। मतलब अगर आप पीछे में सीट बेल्ट अगर आप नहीं टाई करते हैं तो आपको सामने MID में आपको दिखाएगा कि आपका जो पीछे का पैसेंजर्स है उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। ठीक है, सो ये हो गया चेंजेस। अब मैं आगे आ जाता हूँ, तो शार्क फिन एंटेना देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें आ रहा है टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। सो इसमें आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ, एक मिनट। हाँ, और एक और चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा आँख पे पड़ने वाला है वो है, एक मिनट पहले मैं इसको बंद करूँ फिर दिखाता हूँ। ये इसका क्लस्टर, ये देखिए
ये बिल्कुल आपका स्पोर्ट्स वेरिएंट में जैसे आता था एकदम वैसा ही आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको ये रेयर सीट बेल्ट्स के आपको यहाँ पे रिमाइंडर्स वाले जो था वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये आपका एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी सपोर्ट करता है, ठीक है। सो ये आपका 8 इंच का यहाँ पे टच स्क्रीन, और यहाँ पे हो गया आपका ये MID क्लस्टर, जो 3.5 इंच का आपको जो MID क्लस्टर आता था वो भी आपको इसमें मिल जाता है, जो कि आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट में मिलता है। अब ये स्क्रीन देख के आप ये कंफ्यूज मत हो जाएगा कि इसमें आपका रिवर्स कैमरा भी आएगा, बट इसमें आपका रिवर्स कैमरा नहीं आता। ये मैं रिवर्स गियर एंगेज कर देता हूँ, ये देखिए सिर्फ और सिर्फ पार्किंग सेंसर्स ही है इसमें, इसमें रिवर्स कैमरा का ऑप्शन नहीं है। अब ये आपको एक्सेसरीज में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आपको एक बार डीलरशिप में जाकर चेक करना पड़ेगा कि ये जो मेरे हिसाब से अभी तक एक्सेसरीज में अवेलेबल नहीं हुआ है, बट जहाँ तक मुझे लगता है आपको जल्द ही एक्सेसरीज में मिल जाएगा। सो ये बार आप डीलरशिप वाले से पता कर लीजिए कि वहाँ पे वो लोग एक्सेसरीज में दे रहे हैं कि नहीं। एक और फीचर जिसमें ऐड हुआ है वो यहाँ पे आपका ऑटो हेडलैम्प्स, ये जो आप देख रहे हैं ये ऑटो हेडलैम्प्स फीचर जो था ये आपका इसमें नहीं आता था, तो ये भी आपको इसमें मिलना शुरू हो गया है। क्या क्या डिलीट हुआ है इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ कुछ फीचर्स जो है उसमें डिलीट भी कर दिए गए हैं। जैसे कि अब ये मैं मैग्ना वेरिएंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब i20 में क्या क्या फीचर्स डिलीट हो गई हैं मैं आपको उधर से दिखा देता हूँ एक बार। सो पहला तो जो मैं आपको बताया था वो आपका ये मतलब जो यहाँ पे एंटेना था वो डिलीट हो गया है, ठीक है। मैग्ना में आपको यहाँ पे 2 DIN का म्यूजिक सिस्टम मिलता था, वो और चेंज करके आपका यहाँ पे अभी 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आ गया है, ठीक है। इस तरफ अपने बात करें तो आपको एस्ट्रा ऑप्शनल में यहाँ पे आपको एक मतलब इस जगह पे एक आपको आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स मिलता था, सो वो भी आपको अब से एस्ट्रा ऑप्शनल में नहीं मिलेगा, क्योंकि एस्ट्रा ऑप्शनल में अभी आपका यहाँ बीच में भी एक ये जो एडजस्टेबल हेड आप देख रहे हैं वो भी आपको मिलने लग गया है। सो यहाँ पे आपको रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स ये आपको इसमें नहीं मिलेगा। सो अपने अगर कंक्लूड करते हैं कि क्या क्या चेंजेस है, तो पहला चेंज है इसमें आपका ये शार्क फिन एंटेना, दूसरा है आपका 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स यहाँ पे, ठीक है। फिर है आपका सीट बेल्ट रिमाइंडर, सेकंड रो के सीट बेल्ट रिमाइंडर्स आपको मिल जाएंगे। फिर आपका ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट, मतलब दो साइड के हेडरेस्ट जो है वो भी एडजस्टेबल है, और जो सेंटर में जो नए ऐड किए गए हैं वो भी आपका एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, ठीक है। और जो चेंजेस है इसमें वो है, जो मेजर चेंजेस की मैं बात करूँ तो वो है आपका ये SVC क्लस्टर यहाँ पे, जो कि आपको स्पोर्ट्स में जैसा रहता है वैसा ही एकदम बिल्कुल वैसा सेम मिलता है। और यहाँ पे आपका 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि आपको मतलब एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले भी सपोर्ट करता है इसमें, लेकिन इसमें आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है। सो वो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है, वो आपको प्रोबेबली अलग से फिट कराना पड़ेगा अगर वहाँ पे एक्सेसरीज में अवेलेबल होता है तो। तो दोस्तों जो भी चेंजेस की मैंने बात की है ना, जो भी मैं आपको वीडियोस में दिखा दिया हूँ वही सब चेंजेस है। प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस आया है पहले से। सो आप जब भी गाड़ी खरीदने जाएंगे डीलरशिप्स में आपको दोनों ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पे आप मुझसे डीलरशिप वाले से पूछ लीजिएगा कि वो आपको ये नई वाली वेरिएंट दे रहे हैं या पुरानी वाली वेरिएंट दे रहे हैं, वो देखकर ही आप आगे पेमेंट्स वगैरह प्रोसेस करिएगा। और दूसरी बात क्या है, एक्सेसरीज आपको मिलने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आ गई हैं, तो एक्सेसरीज मिलने में टाइम लग सकता है, बट उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डीलरशिप में एक्सेसरीज आना ऑलरेडी शुरू हो गई हैं, सो एक्सेसरीज भी आपको मिल ही जाएंगी जल्दी। सो बेसिकली यही सब चेंजेस थी। तो इसके बाद मैं स्पोर्ट्स वेरिएंट और एस्टा और एस्टा ऑप्शन में क्या क्या चेंजेस है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और एक्स्टर बहुत जल्द ही आने वाली है, उसके अपडेट्स के लिए मेरे चैनल से जुड़े जरूर रहिएगा, क्योंकि मैं जैसे ही एक्स्टर की कुछ बुकिंग्स ऑलरेडी ओपन हो गई हैं, सो कोई और चेंजेस आती है, कोई उसमें अपडेट्स आता है तो मैं जल्द ही आपको इस चैनल पर दे दूंगा। सो टिल द टाइम बने रहिए हमारे चैनल पर, और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब नहीं करिएगा और नोटिफिकेशन ऑन करिए, वरना आपके पास तो नोटिफिकेशन ही नहीं आएंगे, मेरा वीडियो बनते रहेगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी। सो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरा वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच। टिल द टाइम बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। बाय, थैंक यू।